मेरा नाम कौशल सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से आया हूँ। जब आपने देखा कि हमने ये आज मीडिया कर्मी से बात, मतलब इधर हमने लड़के इकट्ठे हुए हैं कि हमारा पेपर है जो टीचर नहीं हो रहा है, आर्मी का पेपर है, हमारा पेपर बार बार पोस्टपोन हो रहा है। हमने 2020 में हमने फॉर्म लगाया था आर्मी का और 2021 में हमारी भर्ती हुई, एक साल हो गया, हमारा फिजिकल और मेडिकल हुए और हमारा पेपर नहीं हो रहा है, बार बार हमारा पेपर कैंसिल हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा SSC GD का पेपर हो रहा है, नीट का पेपर हो रहा है और सैनिक स्कूल का पेपर हुआ, उसमें 5-6 साल के बच्चे पेपर देने आए थे। मतलब कि उनको कोरोना नहीं है, हमारे लिए कोरोना है, हमारा पेपर बार बार कैंसिल किया जा रहा है। और हमारी आर्मी की 3 भर्ती होती हैं और हमारी पहली भर्ती यही लास्ट भर्ती बन चुकी है और हम मतलब यही बताना चाहता हूँ हमारी लास्ट भर्ती है और हमारा पेपर जल्द से जल्द कराया जाए। 2019 में हमने फॉर्म लगाया, कोविड आ गया, तो उस टाइम भी कोविड था, तो हमने वैक्सीन लगाई, डबल डोजेज लगाए, तो हमने अच्छे से पालन किया और फौज वालों ने भी हमारा सपोर्ट किया। फौज ही कोई बुरा नहीं होता, फौज भी उनको भी ऊपर से ऑर्डर आने हैं, लेकिन वो ऊपर से जो ऑर्डर आने हैं तो उनसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ भाई लोग, या मंत्री साहब या जो भी हैं आप, सिस्टम को जो भी है, सिस्टम हम इनको सिस्टम ही कहेंगे, सिस्टम जो भी है तो हमारे लिए कुछ सोचा जाए। बस यही ये निवेदन है आप लोगों से भी कि ये बात को हमारी आगे रखें, अप्रोच करते हैं। थोड़े दिन पहले सैनिक स्कूल का पेपर हुआ गया, वो छोटे छोटे बच्चे, मैम 5-5 साल के बच्चों का, मैम 5th क्लास के बच्चे, मैम आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल के बच्चों के 5th क्लास के, उनका पेपर हुआ गया, पेपर लिया गया मैम, लेकिन मैम SSC का पेपर लिया गया, मैम थोड़े दिन पहले SSC का पेपर लिया, लेकिन जब हमारे पेपर की एग्जाम की बारी आती है तो मैम कोरोना ही आता है, क्योंकि मैम हम किसी लीडर्स के बच्चे नहीं हैं, हम किसी ऑफिसर्स के बच्चे नहीं, मैम जो भी नॉर्मल घर से आता है, जो भी मैम आर्मी में आता है वो, ये प्रोटेस्ट नहीं था मैम, ये सिर्फ ये खाली आपका मीडिया कॉन्फ्रेंस थी कि अपनी बात रखें, अपनी बात हम आगे।